जो कि गाजियाबाद से है। न्यूज़ पर इंडिया की खबर का बड़ा असर। मुरादनगर हादसे का मुख्य आरोपी ठेकेदार अजय त्यागी गिरफ्तार। गाजियाबाद पुलिस ने ठेकेदार अजय त्यागी को गिरफ्तार कर लिया है। आज गाजियाबाद पुलिस अजय त्यागी को कोर्ट में पेश करेगी। अजय त्यागी पर पुलिस ने 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। तो आपको बता दें, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, आज गाजियाबाद पुलिस अजय त्यागी को कोर्ट में पेश करेगी। अजय त्यागी जो कि मुख्य आरोपी है सभी आरोपियों में से, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि लेंटर हादसे के बाद मुख्य आरोपी अजय त्यागी फरार चल रहा था। चार ऐसे लोग जिनके नाम एफआईआर दर्ज की गई, जिसमें से तीन आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए, लेकिन मुख्य आरोपी अजय त्यागी फरार था। और साथ ही पुलिस ने 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया था अजय त्यागी पर, लेकिन अब वो पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है मौत के ठेकेदार अजय त्यागी को। और आज गाजियाबाद पुलिस अजय त्यागी को कोर्ट में पेश करेगी। तो अजय त्यागी पर पुलिस ने 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया था और अब फरार अजय त्यागी पुलिस की गिरफ्त में है। तो न्यूज़ वन इंडिया की खबर का बड़ा असर। मुरादनगर हादसे का मुख्य आरोपी पकड़ा गया, ठेकेदार अजय त्यागी गिरफ्तार कर लिया गया है। गाजियाबाद पुलिस ने ठेकेदार अजय त्यागी की गिरफ्तारी कर ली है। आपको बता दें कि अजय त्यागी तभी से फरार चल रहा था जब ये मामला संज्ञान में आया, और लेंटर हादसे में 25 लोगों की मौत हो गई और कई लोग ऐसे हैं जो कि अस्पताल में भर्ती हैं, घायल हैं, गंभीर रूप से इलाज उनका चल रहा है। आपको बता दें कि तभी से ही अजय त्यागी जो कि मुख्य आरोपी है वो फरार था। हालांकि इस मामले में चार आरोपी हैं, जिसमें से तीन आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए, जिसमें एक ईओ और दो जेई और साथ ही ठेकेदार अजय त्यागी, लेकिन अजय त्यागी फरार था। उसके बाद पुलिस ने 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया और अब अजय त्यागी पुलिस की गिरफ्त में है, यानी कि पुलिस ने अजय त्यागी को गिरफ्तार कर लिया है और आज गाजियाबाद पुलिस अजय त्यागी को कोर्ट में पेश करेगी। बता दें आपको कि गाजियाबाद में मुरादनगर शमशान घाट, जहां पर कुछ लोग अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए पहुंचे थे, बारिश की वजह से वो लेंटर भरभराकर नीचे से पड़ा, जिसमें 25 लोगों की मौत हो गई। कई लोग ऐसे हैं जिन जो कि गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, अस्पताल में भर्ती हैं, उनका इलाज चल रहा है। और आपको बता दें कि वो जो लेंटर था, वो जो यहाँ पर ढांचा था, वो ज़्यादा दिन पुराना नहीं था, बल्कि 3 से 4 महीने ही पुराना था। लेकिन इतनी जल्दी हाल ही में बना हुआ कोई ढांचा अगर इस तरह से बारिश होते ही टूट जाए, तो अपने आप में कई सवाल खड़े होते हैं। और यहाँ पर जो सवाल खड़े हुए, सबसे बड़ा सवाल उनमें यही था कि आखिर किस तरह के मटेरियल का उपयोग किया गया था उस ढांचे को बनाने के लिए, जो कि जरा सी बारिश में वो भरभराकर गिर पड़ा, और जिसका हर्जाना उन तमाम परिवारों को भुगतना पड़ा जिन्होंने अपने परिवार के सदस्य को उस हादसे में खो दिया। हालांकि आपको बता दें कि इस हादसे में जिनकी जान गई, 25 उनकी संख्या है, 25 लोग जो कि इस हादसे में मारे गए हैं। और वही कई लोग ऐसे हैं जो कि बुरी तरह जख्मी हुए, बुरी तरह घायल हुए। वो जो मटेरियल उस ढांचे को बनाने में उपयोग किया गया था, वो इतना खराब क्वालिटी का था कि जब बचाव का कार्य चल रहा था, राहत बचाव का कार्य चल रहा था, तो उसके बावजूद जो लोग अंदर दबे हुए थे, उनके ऊपर दोबारा टूट टूट कर वो पूरा ढांचा गिर रहा था, जब उसको निकालने की, उठाने की कोशिश की जा रही थी। हालांकि इस पूरे मामले में चार लोगों को आरोपी बनाया गया, उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया, लेकिन तीन लोग तो गिरफ्तार किए गए, अजय त्यागी फरार था। यादराम भारती इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए ज्यादा जानकारी के साथ। यादराम, मुख्य आरोपी अजय त्यागी गिरफ्तार कर लिया गया है, कैसे गिरफ्तारी हुई? देखिए, इस मामले में पहले ही तीन लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, जिनमें नगरपालिका की ईओ चंद्रपाल जेई और आशीष सुपरवाइजर, इन तीनों को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी थी। लेकिन जो अजय त्यागी है, जो मुख्य आरोपी है, उसकी लगातार पुलिस तलाश कर रही थी और वो तभी से ही फरार था। कल रात पुलिस ने इसे गाजियाबाद से ही गिरफ्तार किया है और आशीष जो अजय त्यागी है उसके ऊपर 25,000 का इनाम भी पुलिस ने घोषित किया था। कल रात इसको गिरफ्तार कर लेगा और फिलहाल पुलिस इसको क्राइम ब्रांच लेकर गई है और वहां पूछताछ की जाएगी कि आखिर कौन कौन लोग थे, कौन कौन अधिकारी थे जो शामिल थे इस पूरे घोटाले के अंदर, इस भ्रष्टाचार के अंदर, जिसकी वजह से पूरा हादसा हुआ। वहीं पुलिस ये भी जानने की कोशिश करेगी अजय त्यागी से कि आखिर जो नेक्सस है, जो गैंग है, वो पूरा कैसे चलता है भ्रष्टाचार का, जो कि निर्माण में इतनी घटिया सामग्री लगाता है कि किसी की जान पर बनाए। तो फिलहाल पुलिस अजय त्यागी से पूछताछ कर रही है। जी,
यादराम, जिस तरीके से आपने बताया कि कल शाम गिरफ्तारी हुई है अजय त्यागी की, पुलिस को कैसे सूचना मिली? क्या किसी ने सूचना दी थी, क्योंकि 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था अजय त्यागी पर, या फिर क्योंकि पुलिस पहले से ही ढूंढने के लिए छापेमारी कर रही थी तो उसी के तहत अजय त्यागी को पकड़ा गया है? देखिए, पुलिस पर पहले दिन से ही लगातार दबाव था अजय त्यागी को लेकर, और चूंकि अजय त्यागी ऊंचे रसूख के चलते काफी अपनी पहचान जो है ऊंचे स्तर पर बना चुका था, ऐसे में सभी ये कयास लगाए जा रहे थे कि अजय त्यागी हो सकता है कि जल्दी गिरफ्तार ना हो, लेकिन जिस तरीके से रात में देर रात पुलिस ने अजय त्यागी को गिरफ्तार कर लिया, और जो अभी तक हालांकि जो पुलिस अधिकारी हैं वो बहुत ज्यादा बात नहीं बता रहे हैं, और उनका यही कहना है कि उनकी पहली जो प्राथमिकता होगी वो यही होगी कि अजय त्यागी से वो सब राज उगलवाए जाएं, जिससे कि ये पता चल सके कि आखिर कौन कौन लोग थे जो इस भ्रष्टाचार के खेल में शामिल थे। फिलहाल जो अजय त्यागी को पुलिस क्राइम ब्रांच लेकर गई है, वहां मौके पर जो अधिकारी हैं वो भी पहुंचेंगे और इससे जो तफसील में जो पूछताछ है वो की जाएगी। यादराम, आज कोर्ट में पेश करेगी गाजियाबाद पुलिस अजय त्यागी को, तो हो सकता है कि रिमांड में लेने की कोशिश करे या फिर सीधा न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा, लेकिन क्योंकि काफी कुछ उगलवाना है अजय त्यागी से, काफी खुलासे हो सकते हैं, तो ऐसे में आशंका है कि रिमांड पर लिया जा सकता है? जी बिल्कुल, देखिए छोटा मामला नहीं है, 25 लोगों से जुड़ी मौत का सवाल है, और ऐसे में पुलिस की कोशिश है कि वो नगर जो न्यायपालिका है उससे रिमांड की मांग करेगी, और क्योंकि सवाल कई हैं उनके जवाब ढूंढने बाकी हैं, जिसकी वजह से पुलिस रिमांड जरूर लेगी, और माना यह भी जा रहा है कि रिमांड के बाद उन सभी जगहों पर मौका मुआयना करेगी जहां जहां पर हादसा हुआ है, और जो काम अभी चल रहे हैं, मैं बता दूं कि अजय त्यागी ने पिछले जो भी काम किए हैं उन सभी की जांच चल रही है। नगर निगम में एक नाला है जिसका बहाव जिस तरफ होना चाहिए था उस तरफ ना होकर उल्टी दिशा में वो बह रहा है, वो जांच अभी भी चल रही है। ऐसे तमाम जो मामले हैं उनमें जांच चल रही है, जिनमें लगता है कि लोगों की जान को खतरा है, इनके घटिया सामग्री के निर्माण से जो भी निर्माण हुआ है, जो लगता है कि हाँ इनसे खतरा है, उन सभी की जांच में ये सारी चीजें आएंगी। बिल्कुल, और यादराम सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर यह है कि इतना बड़ा भ्रष्टाचार, इतना बड़ा घोटाला सिर्फ अकेले तो नहीं हो सकता, जाहिर सी बात है कि यहाँ पर कि बहुत बड़ा नेक्सस होगा, कई लोगों की, कई अधिकारियों की मिलीभगत होगी, और जिस तरीके से कहा जा रहा था कि ये टेंडर मिला ही तब था जब राजनीतिक प्रेशर था, क्योंकि ये भी कहा गया था इसकी शिकायत हुई थी एक बार, लेकिन शिकायत पर ध्यान नहीं दिया गया क्योंकि राजनीतिक पॉलिटिकल प्रेशर था, तो क्या अभी तक उस बारे में कोई खुलासा हो पाया गया है कि किस राजनीतिक प्रेशर के जरिए आखिर ये टेंडर अजय त्यागी को मिला था? ये भी जा रहा है कि उसकी जो वैधता है, जो पंजीकृत रजिस्ट्रेशन वैधता है वो खत्म हो चुकी थी, जिसके बावजूद भी उसको टेंडर दिए जा रहे थे, और सही बात इस शमशान घाट के सौंदर्यकरण टेंडर की जो कि करीब 7 लाख रुपए का था, इस पूरे मामले में पुलिस ये जानने की कोशिश करेगी, क्योंकि बिल्कुल ये सही बात है कि बिना ऊंचे लेवल के, बिना किसी की मदद के इतना बड़ा घोटाला संभव नहीं है, और इतना बड़ा, इतनी हिम्मत नहीं है किसी के अंदर कि इतनी घटिया सामग्री लगाए कि लोगों की जान पर बनाए। तो ये सिर्फ एक जो मुखौटे हैं वो दिख रहे हैं, लेकिन असल में कोई और है, जिसकी वजह से ये पूरा जो नेक्सस है वो फल फूल रहा था, और अजय त्यागी जैसे ठेकेदार जिन लोगों ने बनाए उनके जो चेहरे हैं वो सामने अभी आने वाले हैं। जी बिल्कुल यादराम, और साथ ही सिस्टम भी ऐसा होना चाहिए, इतना ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी की इतनी जरूरत है कि इस तरह के घोटाले दोबारा ना हो, कि जिस तरीके से सरकार जब सत्ता में आई तो ये वादे किए गए कि भ्रष्टाचार नहीं होगा, और ये नारा सबसे पहले था, ऐसे में जब भ्रष्टाचार के साथ ना सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ बल्कि 25 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी इस सिस्टम का खुलासा करने के लिए, ऐसे में कहीं ना कहीं सिस्टम पर बहुत गहराई से काम करने की जरूरत है कि दोबारा ऐसा फिर कभी ना हो, नहीं तो फिर क्या फर्क है इस बार की में जो यहाँ पे सत्ताधीन यहाँ पे पार्टी है उसमें और जो पहले पार्टियां रही हैं, अलग क्या हुआ? देखिए सत्ता बदलती रहती है, लेकिन ये जो काम करने वाले हैं निचले स्तर पर, मैं बता दूं कि ये लोग वही रहते हैं, एक सीट से दूसरी सीट पर चले जाते हैं, लेकिन इनका काम बदस्तूर वही चलता रहता है। अब मैं आपको चीज ये और बताना चाहता हूँ कि सबसे बड़ी बात यह है कि करप्शन ग्राउंड जीरो पर, भले ही सरकार की नीयत कितनी साफ हो, चाहे पिछली सरकार की हो या इस सरकार की हो, लगातार जो दावे किए जा रहे थे कि भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, लेकिन ग्राउंड जीरो पर अभी भी वही लोग जमे हुए हैं सालों से, जो कि पिछले सरकार में बने हुए थे, इस सरकार में भी हैं। तो यादराम एक अंतिम सवाल, इस वक्त अजय त्यागी कहाँ पर है, कौन से थाने में? देखिए अजय त्यागी को फिलहाल जो पुलिस है वो क्राइम ब्रांच लेकर गई है, वहीं से उनसे पूछताछ की जाएगी, और अधिकारी यही पूछकर ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर अजय त्यागी इन लोगों के साथ जुड़ा हुआ था। और एक सबसे बड़ी बात मैं बता दूं कि अजय त्यागी की अगर पोल डिटेल निकाली जाए तो
बहुत खुलासे हो सकते हैं उसकी कॉल डिटेल से, क्योंकि उसके संपर्क में ऐसे लोग थे जिनसे जिनका पता कॉल डिटेल से लग सकता है वो किस हद तक उनके संपर्क में था और कितने नजदीकी संबंध उन लोगों से थे जो इस घोटाले में शामिल हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया यादव, आपका तमाम जानकारी के लिए।